हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कार्बोक्सी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सी एसिड। तो हमने एसिडिक नेचर का रीजन तो देख लिया था कि कार्बोक्सी एसिड एसिडिक कैरेक्टर क्यों होते हैं, क्यों उनका एसिडिक कैरेक्टर है, उसके पीछे क्या रीजन है और क्या उन पर सब्सटीट्यूएंट्स का इफेक्ट होता है, यानी कि उनके एसिडिक कैरेक्टर पर इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट हमको बताया कि हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, हमने कुछ ऑर्डर भी इसके लिए बना लिए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है इनके एसिडिक कैरेक्टर को केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रूव करना। ठीक है, तो कुछ केमिकल रिएक्शन हमको यहाँ पे लेनी है जो प्रूव करेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर केमिकल रिएक्शन टू प्रूव chemical reactions to prove acidic behavior of carboxylic acid। carboxylic acid का acidic behavior prove करने के लिए chemical reactions लेंगे अपन कुछ, है ना, acidic behavior of carboxylic acid। केमिकल रिएक्शन ऑफ टू प्रूव एसिड बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड बिहेवियर हमको प्रूव करना है कुछ केमिकल रिएक्शन की हेल्प से। ठीक है, तो आइए देखो प्रूव करते हैं एक एक करके, है ना। फर्स्ट रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। ठीक है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। अब एक्टिव मेटल कौन से होती है, एक्टिव मेटल जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, यानी एस ब्लॉक के मेटल और कुछ डी और पी ब्लॉक के मेटल हम बोल सकते हैं, है ना। तो रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल्स यानी कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स का मतलब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। ठीक है, एक्टिव मेटल्स यानी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। ठीक है, तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स तो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे और एक्टिव मेटल के साथ क्या करेंगे, कार्बोक्सी एसिड एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिब्रेट करेंगे। किस तरह से, ये ले लिया हमने कार्बोक्सी एसिड RCOOH और ये इनकी जो SCH है एक्टिव मेटल Na यानी एस ब्लॉक के मेटल, मेनली तो एस ब्लॉक की है, कुछ पी और डी ब्लॉक के मेटल भी हो सकती है। तो जैसे हमने लिया Na और K, ठीक है, Na और K लिया हमने जैसे कि एक्टिव मेटल। ठीक है, तो एक्टिव मेटल क्या करेगी, इनके H को डिस्प्लेस कर देगी और H की जगह पे खुद लग जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको हम बैलेंस करके ट्वाइस कर लें तो 2RCH 2Na या 2K, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, तो मेटल कार्बोक्सिलेट यहाँ पे हमको मिलते हैं, क्या बनते हैं, मेटल कार्बोक्सिलेट। और जो एच यहाँ पे जो डिस्प्लेस हुई है ये एच H2 गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगी, H2 गैस के फॉर्म में ये रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन इंडिकेट करेगा इनकी एसिडिक नेचर को। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल और साथ में लिख देंगे लिब्रेशन ऑफ H2 गैस इंडिकेट्स एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इंडिकेट्स एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड नेचर को इंडिकेट करेगा। आगे हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन क्या इंडिकेट करेगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक कैरेक्टर है के हैं तो एक्टिव मेटल के साथ कोई भी सब्सटेंस अगर एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस लिब्रेट करता है कोई भी कंपाउंड, इसका मतलब वो एसिडिक नेचर का है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस आई है, जो H2 गैस जो रिलीज होती है वो एसिडिक एच से ही रिलीज होती है। ठीक है, तो ये RCOH के साथ Na या K मेटल का एग्जांपल लिया और क्या बन गया मेटलिक कार्बोक्सिलेट, तो जैसे ये बन गया सोडियम कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो जैसे ये हमने Na और K ली, हम चाहे तो इसमें कैल्शियम यानी कि सेकेंड ग्रुप के मेटल भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कैल्शियम लिया। ठीक है, अब कैल्शियम बाइवेलेंट है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो एक ही कैल्शियम रहना पड़ेगा, यहाँ कैल्शियम तो एक ही रहेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड 2 हो जाएगी,
तो एक ही कैल्शियम दो कार्बोक्सी एसिड मॉलिक्यूल के एच को डिस्प्लेस करेगा और अब इस तरह से ये आर सी ओ ओ नेगेटिव का होल ट्वाइस और सी ए और प्लस में क्या एच टू गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट आ गया, कैल्शियम एल्केनोइड भी बोल सकते हैं इनको, सोडियम एल्केनोइड एल्केनोइक एसिड से। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन इंडिकेट कर रहे हैं इनकी एसिड नेचर को। ठीक है, आगे बस ये तो एक हमने एक रिएक्शन दी है ना, हमको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन देनी है जो टू प्रूव, क्या प्रूव करने के लिए, एसिड बिहेवियर और कार्बोक्सी एसिड। तो हमने एक रिएक्शन दी है, सेकंड रिएक्शन देखते हैं हम क्या, सेकंड रिएक्शंस क्या, रिएक्शंस विद, रिएक्शन विद एल्कलीज, एल्कलीज यानी बेस, एल्कलीज और बेस, एल्कलीज और बेस, एल्कलीज और बेस के साथ रिएक्शन। अब देखो बेस के साथ रिएक्शन में क्या होगा, अगर कोई कंपाउंड बेस के साथ एल्कलीज के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, अगर कोई कंपाउंड बेस के साथ या एल्कलीज के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है, इट मींस वो कंपाउंड खुद एसिड नेचर का रहा होगा, है ना। जैसे कि हम बात करें कार्बोक्सी एसिड की रिएक्शन कराते हैं हमको, है ना, एल्कलीज से NaOH या QH, ये लिया हमने NaOH और QH, और अगर इससे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो हमको पता है कि अगर सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और अगर ये बेस है तो बेस किसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, एसिड के साथ, तो डेफिनेटली फिर ये कंपाउंड कैसी नेचर का होगा, एसिड नेचर का होगा। तो इस तरह से कार्बोक्सी एसिड की ऐसी नेचर इससे भी प्रूव हो जाती है कि बेस या एल्कलीज के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेना, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है इनकी एसिडिक नेचर को। ठीक है, तो आरसीओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, ठीक है, और साथ में वाटर, ठीक है, तो ये यहां से एच आया है, ठीक है, यहां से ओ एच आया है, तो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर बनाए रहे हैं, ये सॉल्ट है और सॉल्ट का फॉर्मेशन इंडिकेट करेगा इनके एसिडिक नेचर को। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये दिया, एक एग्जांपल चाहो तो आप इसका भी ले सकते हैं, अमोनिया का भी, अमोनिया ले लो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, या तो डायरेक्ट NH3 ले लो, अगर NH3 ना लो तो NH4OH भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इससे, अगर हमने सीधे NH3 ले लिया है तो बन जाएगा RCOO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि अमोनियम कार्बोक्सिलेट, क्या बन जाएगा, अमोनियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा, ये भी एक सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, यहां से H+ गया है, ठीक है, और ये इसने H+ एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर ब्रोस्टेलोरी कॉन्सेप्ट लगा दें, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ब्रोस्टेलोरी, तो ये हो जाता है क्या, ये हो जाता है क्या, ब्रोस्टेड एसिड, क्योंकि हमको पता है कि प्रोटॉन डोनर क्या बनते हैं, एसिड बनते हैं, और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या बनेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो जाएंगे क्या, बेस। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये बेस की तरह कर रहा है, और यहाँ RCOH जो प्रोटॉन डोनर है वो ब्रोस्टेड एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है, तो इस तरह से यहां से अगेन प्रूव हो जाती है इनके एसिड नेचर। ठीक है, तो बेस के साथ सॉल्ट फॉर्मेशन, तो यहां लिखते थे हम सॉल्ट फॉर्मेशन इंडिकेट्स क्या, बेस एसिड नेचर ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन इंडिकेट्स एसिड नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट का फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है इनकी एसिडिक नेचर को। आ गया समझ में, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड नेचर को इंडिकेट कर रहा है, आ गया। तो ये तो रिएक्शन विद एल्कलीज, तो दो रिएक्शन हमने लगाई, ये रिएक्शन विद एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन का लिब्रेशन से भी ये प्रूव हो रहा है कि एसिड नेचर के, बेस के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन ये भी इनके एसिड नेचर को प्रूव कर रहा है। थर्ड जो रिएक्शन हम लेने जा रहे हैं वो एक इनके साथ रिएक्शन विद सोडियम मतलब कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो ये देखते हैं थर्ड रिएक्शन टू प्रूव केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड नेचर ऑफ कार्बोक्सी एसिड, तो रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन से
क्या होगा? CO2 गैस, CO2 गैस के एफर्वेसेंस, CO2 गैस के एफर्वेसेंस के आने से कंफर्म हो जाएगा कि ये एसिड नेचर के हैं, ठीक है। सॉल्ट का फॉर्मेशन भी होगा और CO2 गैस की एफर्वेसेंस भी निकलेगी, है ना। जब कैसे रिएक्शन होगी, फर्स्ट हम करा रहे किसके साथ, फर्स्ट रिएक्शन करा रहे सोडियम कार्बोनेट के साथ, ले लिया कार्बोक्सी एसिड, ले लिया हमने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब दो Na है, दो सोडियम 2H को, तो इसलिए इनको भी कितना लेना पड़ेगा, ट्वाइस, दो Na 2H को डिस्प्लेस करेंगे और यहां आ जाएंगे, यहां से 2Na चलेंगे, ये 2Na आ गए हैं और यहां से 2H आएगी इधर, ये 2H आ जाएगी और फिर इस तरह से क्या हो जाएगा, 2RCOONa, ये तो बन गया क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो सोडियम सॉल्ट हो गया, ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। और साथ में क्या इवॉल्व होगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब देखो ये क्या बन चुका है, यहां से Na और यहां से H है, तो ये दो H आने से अब ये बन जाएगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड, क्या बन जाएगा, H2CO3, ये बन जाएगा H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। और कार्बोनिक एसिड जो है वो हमको पता है कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होते हैं, ये डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होकर ये H2O और CO2 में ये डिसोसिएट हो जाएगा और CO2 की ब्रिस्क एफर्वेसेंस, CO2 की कैसी ब्रिस्क एफर्वेसेंस यहां से हमको मिलेगी, ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ठीक है, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। तो CO2 में ब्रिस्क एफर्वेसेंस से इंडिकेट होता है इनका क्या, एसिड कैरेक्टर, साथ में सॉल्ट का फॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन हुई सोडियम कार्बोनेट के साथ, किनके साथ रिएक्शन हुई है, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सेम रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी होती है, सेम रिएक्शन है, ठीक है, देखते देखो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन है ना। तो लो सोडियम बाइकार्बोनेट RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड और ये लिया हमने सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, तो क्या होगा, वही सेम, यहां से एक Na, यहां से एक Na चलेगा और ये यहां H आ जाएगा, ये H यहां आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा RCOONa, क्या बन जाएगा, RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। और वही ये H यहां आएगा तो H2CO3 बनेगा और H2CO3 फिर वही डिसोसिएट होकर क्या करेगा, H2 और CO2 देगा। तो अब हम यहां पे डायरेक्ट लिख रहे हैं ना इस चीज को, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं H2O और CO2 गैस और वही CO2 गैस की ब्रिस्क एफर्वेसेंस आ गया। तो सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन से सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन, CO2 की ब्रिस्क एफर्वेसेंस का आना, ये सब भी क्या है, ये सब भी इंडिकेट कर रहा है इनकी एसिडिक नेचर को, ठीक है। तो एक्टिव मैटर के साथ हाइड्रोजन का लिब्रेशन, बेस के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस की ब्रिस्क एफर्वेसेंस का आना इंडिकेट कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड नेचर को। इस रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीजें और जो ऑब्जर्व करने लायक है वो ये है कि एक तो कंपैरिजन होता है, क्या एसिडिक स्ट्रेंथ, किस किस की एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर करते हैं कार्बोनिक एसिड से, कि कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, है ना। तो एसिड स्ट्रेंथ जो है अगर बात की जाए कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड की, तो अब हम यहां इस रिएक्शन की हेल्प से हम ये बता सकते हैं देख के कि दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, कि दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो हमको समझ में आ रहा है क्या, कि जो एसिड रिएक्शन में भाग हो जाता है, जो एसिड रिएक्शन में भाग हो जाए, यानी कि जो, अब इसको यूं समझे कि ये एक एसिड है और ये Na2CO3 जो कि कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट का, कार्बोनिक एसिड का क्या था, सॉल्ट का, ये कार्बोनिक एसिड है और Na2CO3 इसका सॉल्ट है। अब इस एसिड ने क्या किया, इस एसिड ने कार्बोनिक एसिड को उसके सॉल्ट से क्या कर दिया, बाहर कर दिया और खुद ने सॉल्ट बनाया, खुद ने सॉल्ट बनाया। ऐसा काम कौन कर सकता है, एक स्ट्रॉन्गर एसिड ही ये काम कर सकता है, यानी स्ट्रॉन्गर एसिड क्या करता है, वीकर एसिड को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। एक स्ट्रॉन्गर एसिड क्या करता है, वीकर एसिड को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करता है। तो जो भी डिस्प्लेस होके आ गया है इट मींस कि वो वीकर एसिड है और जिसने डिस्प्लेस किया है इट मींस कि वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो यहां से ये भी क्लियर हो रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है किससे, कार्बोनिक एसिड है,
कार्बोक्सी एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है किससे, कार्बोनिक एसिड से। कार्बोनिक एसिड या फिर वीकर एसिड है, जो वीकर एसिड होगा वो सॉल्ट से बाहर निकल के आ जाएगा और जो स्ट्रॉन्गर होगा वो उसको वीकर एसिड को डिस्प्लेस करेगा और खुद अपना सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, तो यहां से एक तो ये चीज क्लियर हो रही है कि RCOH और मतलब कार्बोक्सी एसिड और कार्बोनिक एसिड में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो कार्बोक्सी एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है। एक और जो इस रिएक्शन का जो यूज है वो है क्या, इस रिएक्शन को यूज करते हैं टू डिटेक्ट CWH ग्रुप के डिटेक्शन में, CWH ग्रुप के डिटेक्शन में भी हम इसको यूज करते हैं टू डिटेक्ट CH ग्रुप इन द कंपाउंड। कार्बोक्सी एसिड ग्रुप को इन द कंपाउंड में डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इस रिएक्शन को यूज करते हैं। कौन सी को, सोडियम बाइकार्बोनेट वाले को, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट वाली इसको, ये वाली रिएक्शन, ये जो लाइन लिखी गई है ये इस सोडियम बाइकार्बोनेट वाली रिएक्शन के लिए। क्यों सोडियम बाइकार्बोनेट ही क्यों, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के साथ तो फिनोल की भी रिएक्शन हो जाती है, एक कार्बोक्सी एसिड ही है। देखो है ना, अगर एल्कोहल की रिएक्शन, एल्कोहल और फिनोल की बात करें तो एल्कोहल फिनोल दोनों ही सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट से इन तीनों में से कौन रिएक्शन करेगा, कार्बोक्सी एसिड ही रिएक्शन करेगा और कार्बोक्सी एसिड रिएक्शन करके CO2 की ब्रिस्क एफर्वेसेंस देगा, CO2 की ब्रिस्क एफर्वेसेंस देगा। तो इस रिएक्शन की हेल्प से हम कंपाउंड में CWH ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कंपाउंड की रिएक्शन कराई जाएगी किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन से अगर CO2 गैस की ब्रिस्क एफर्वेसेंस आती है, इट मींस कंपाउंड में CWH ग्रुप प्रेजेंट है। आगया? तो ये भी इस रिएक्शन का एडवांटेज हो जाता है, यूज होता है टू डिटेक्ट CH ग्रुप इन द कंपाउंड, है ना, क्योंकि फिनॉल और एल्कोहल ये वाली रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन ये नहीं देंगे, है ना। मैं यहाँ पे लिख के दिखाई दूँ आपको कि क्या किनकी रिएक्शन, अगर हम कंपेयर करें फिनोल और एल्कोहल को भी इसके साथ तो किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। ये तो हो गया समझ में आ गया, तो ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी, एसिड स्टेन का पता चलता है। इस रिएक्शन को सोडियम बाइकार्बोनेट वाली रिएक्शन को यूज करते हैं किसमें, CH ग्रुप के डिटेक्शन में, क्योंकि एल्कोहल फिनोल दोनों ही ये वाली रिएक्शन नहीं देंगे। अगर कोई कंपाउंड NHCO3 के साथ CO2 गैस की ब्रिस्क एफर्वेसेंस दे रहा है, इट मींस उसके अंदर CWH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, आ गया। और अगर यहां कंपेयर करें एल्कोहल फिनोल को भी, तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कैसे, देखो अगर कार्बोक्सी एसिड की बात चल रही है तो कार्बोक्सी एसिड और Na2CO3 की रिएक्शन हो रही है, अभी देखिए है ना, ये रिएक्शन हुई है और 2RCONA और H2O और CO2 गैस रिलीज हो रही है, H2O और CO2 गैस की ब्रिस्क एफर्वेसेंस यहाँ पे बनती है, आ गया एक बात, ठीक है। अब ये रिएक्शन अगर फिनोल से कराई जाती है, C6H5OH फिनोल से कराई जाती है, तो फिनोल के साथ भी ये रिएक्शन हो जाती है, फिनोल के साथ भी ये रिएक्शन हो जाती है। Na2CO3 है, दो एन आएंगे इसके फिनोल के, दो एच को डिस्प्लेस करेंगे और बना देंगे सोडियम फिनोक्साइड, CCH5O- Na पॉजिटिव, ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, तो ये बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा और सेम H2O और CO2 गैस आ जाएगी, ठीक है। तो ये बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के साथ तो फिनोल की भी रिएक्शन हो जाती है, हाँ, बट अगर एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल एंड Na2CO3, एल्कोहल और Na2CO3, तो फिर यहां नो रिएक्शन, क्योंकि एल्कोहल तो काफी वीक एसिड है, बहुत ही वीक एसिड है, तो एल्कोहल के साथ तो Na2CO3 की भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अगर NaHCO3 की बात करें, है ना, ये तीन रिएक्शन तो हमने कराई है सोडियम कार्बोनेट से, सेम ऐसी तीन रिएक्शन अगर बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो RCOH और NaHCO3 गिव्स क्या, RCONA, ठीक है, क्या बन रहा है, RCONA प्लस H2O प्लस CO2, वो तो बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है ये। और सेम रिएक्शन अगर फिनोल के साथ कराई जाती है, फिनोल के साथ, तो अब फिनोल के साथ भी ये रिएक्शन नहीं आती है, ठीक है, नो रिएक्शन, अब फिनोल के साथ ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं आएगी, आगे समझ, तो फिनोल के साथ रिएक्शन नहीं आती, नो रिएक्शन। और अगर फिनोल के साथ नहीं आ रही है तो एल्कोहल की तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते बिल्कुल ही,
क्योंकि एल्कोहल तो और भी वीकर एसिड है, फिनोल से भी वीकर एसिड है, तो वहां भी क्या रहेगी, नो रिएक्शन, नो ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ CO2 इन दोनों के केस में नहीं आती, आ गया। और इसलिए फिर अब ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम यूज कर लेते हैं COOH ग्रुप के डिटेक्शन में, आ गया। तो ये हमने कुछ केमिकल रिएक्शन देखी है एसिड नेचर को प्रूव करने के लिए, कार्बोक्सी एसिड की एसिड नेचर को प्रूव करने के लिए ये कुछ केमिकल रिएक्शन हमने यहाँ देखी है, ठीक है। इसमें हम चाहे तो लिटमस टेस्ट भी लगा सकते हैं, हम यहाँ लिटमस टेस्ट से भी काम कर सकते हैं, बट लिटमस टेस्ट एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, वो एक तरह का फिजिकल टेस्ट है, उसको फिजिकल टेस्ट में कंसिडर किया जाता है ना। तो अगर फिजिकल टेस्ट में लें तो हम वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे। वैसे केमिकल रिएक्शन के नाम पर तो तीन ही रिएक्शन देनी है ना, अगर केमिकल रिएक्शन पूछी गई है तब तो हमको ये लिखनी है, और बाकी ऐसे नेचर ही प्रूव करनी है तो हम लिटमस टेस्ट से भी कर सकते हैं। लाओ देखो लिटमस टेस्ट से देखें, तो फोर्थ आप चाहे तो इसमें लगा सकते हैं एक्शन विद लिटमस पेपर, क्या लगा सकते हैं एक्शन विद लिटमस पेपर, एक्शन विद लिटमस पेपर, लिटमस पेपर से क्या उनका एक्शन रहता है, क्या रिएक्शन रहती है ना। तो एक्शन विद लिटमस पेपर क्या रहेगा, देखो है ना, कार्बोक्सी एसिड है, अब एसिड नेचर के हैं तो ब्लू लिटमस को टर्न कर देंगे किसमें, ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को ठीक है टर्न कर देंगे इसमें, टर्न्स टू रेड, टर्न्स टू रेड, तो ब्लू को रेड हो जाना ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्लू लिटमस पेपर का रेड हो जाना ये भी इंडिकेट कर रहा है इनके एसिडिक नेचर को, ठीक है। तो कार्बोक्सी एसिड को लिटमस पेपर से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या हम ये टेस्ट फिनोल और एल्कोहल के लिए यूज कर सकते हैं क्या, तो फिनोल और एल्कोहल के दोनों ही वीकर एसिड है, फिनोल और एल्कोहल दोनों ही वीकर एसिड है, तो वो लिटमस टेस्ट नहीं देंगे, वो ब्लू लिटमस को कोई टर्न यानी कोई कलर उसका चेंज नहीं करेंगे। तो क्या आएगा, नो चेंज इन लिटमस पेपर, नो चेंज, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही वीकर एसिड है और वीकर एसिड है इसलिए लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाएंगे, आइए। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या एसिड की एसिडिक नेचर को प्रूव करने के लिए केमिकल रिएक्शन है, और इसी साथ में जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सी एसिड, कार्बोक्सी एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसकी हमने चार कैटेगरी बनाई थी, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी बनाई थी हमने उनके एसिडिक एच की रिएक्शन, सेकेंड बनाई थी हमने OH ग्रुप की रिएक्शन, थर्ड कैटेगरी हमने बनाई थी COOH ग्रुप की रिएक्शन, और फोर्थ कैटेगरी हमने बनाई थी एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन। इनमें से फर्स्ट कैटेगरी अब हमारी यानी कि एसिडिक एच रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एसिडिक एच ऑफ कार्बोक्सी एसिड, वो अब हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, आगे।